फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आईज़ को ड्रॉ करने वाले हैं और वो भी चारकोल पेंसिल से। मेरा भी फर्स्ट टाइम है, मैं भी फर्स्ट टाइम ही ड्रॉ कर रही हूँ। सबसे पहले हम आईज़ की शेप ड्रॉ कर रही हूँ। आपकी दोनों आईज़ के बीच में एक आईज़ का स्पेस होना चाहिए। आई बॉल बीच से बहुत डार्क और फिर आउटलाइंस भी डार्क और मिड पॉइंट से थोड़ी सी लाइट शेड फिल करें। लाइट इफेक्ट के लिए वाइटनर का यूज़ कर सकते हैं आप। आइस के नीचे थोड़ी शेड दे रही हूँ नेचुरल लुक के लिए। अभी ब्रश से ब्लेंड कर ली हूँ, सिंपल ब्लेंडर नहीं था मेरे पास और मैं ब्रश से करना चाह रही थी, लेकिन ये अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रही है चारकोल पेंसिल। ये देखिए, ये जहाँ पे पेस्ट हो गई उधर ही पेस्ट हो रहती है। आई लैशेज मोल्ड ऐसे राउंड शेप में, पीछे की साइड डायरेक्शन होनी चाहिए, आगे की साइड जो बीच का है वो सीधा स्ट्रेट हेयर होना चाहिए। ये देखो, मैंने अभी दूसरी पेंसिल यूज़ नहीं की है, चारकोल पेंसिल से ही कर रही हूँ। अभी ये बारीक सी मैंने इरेजर से इसको थोड़ा सा क्लियर किया है वाइटनिंग के लिए। ये हल्का सा नोज शेप दे रही हूँ। आईब्रोज की डायरेक्शन इस टाइप से बनाएं। चारकोल पेंसिल का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। एक्स्ट्रा डार्क है और बस इसका ये एक ही वीक पॉइंट लगता है मुझे कि ना ये शेडिंग करने में, जैसे कि ब्लेंड करने में थोड़ा इजी सा नहीं लग रहा मुझे। अभी तो मैंने फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया है, शायद इसलिए भी मैं अच्छे से नहीं होल्ड कर पा रही हूँ इसको, बट फिर भी काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा बन गया है, बहुत अच्छी लग रही है डार्कनेस के कारण। और मैट होती है ये, इसलिए जो लाइट इफेक्ट होता है मतलब ग्रेनाइट पे, तो जैसे कि रोशनी पड़ती है तो चमकती हुई दिखती है, कैमरा में अच्छे से नहीं आती है, लेकिन इसमें ये मैट है देखने में बहुत अच्छी लगती है, लाइट इफेक्ट नहीं पड़ता इसके ऊपर। ये देखिए ब्लेंड फिर भी नहीं हो रही है ना, अच्छे से हो ही नहीं पा रही है इस ब्रश से, या तो ब्रश के कारण नहीं हो रही है, सॉफ्ट है ये इसलिए। आई लैशेज आगे की साइड थोड़ा सा, ये डेड चश्मे चेहरे की आइज बनाई है मैंने। देखो दोनों साइड डायरेक्शन होनी चाहिए आपके आईज लैशेज की। तो ये ऑलमोस्ट आइज पोर्शन कंप्लीट हो गया है मेरा। अब थोड़ा सा मैं इसको फाइनल टचअप दे रही हूँ, थोड़ा सा फिनिशिंग वर्क कर रही हूँ और थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक में दिखे ये हेयर्स बना दिए हैं मैंने। इससे क्या है कि एक वुमेन के आइस को डिनोट किया है हेयर्स बनाने से, और भी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आ रहा है आइस के ऊपर। सो गाइस, चारकोल पेंसिल बहुत अच्छा इफेक्ट रहा मेरे लिए। अब मेरी आइस कंप्लीट हो गई हैं, अभी हम सिग्नेचर कर देते हैं, बिकॉज पेंटिंग या फिर कोई भी आर्ट वर्क आर्टिस्ट के नाम के बिना अधूरा होता है। सो ये मैंने 5 अगस्त को बनाया था आप लोगों के लिए। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द आइज। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा, और आप भी ट्राई करें, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है चारकोल का। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग माई चैनल। थैंक यू।